हेलो दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डिस्ट्रैक्चिंग इन जावास्क्रिप्ट तो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर टेन है इससे पहले मैं नाइन क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे जो पूछे जाते हैं इसके प्ले का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आई बटन में लगा दूंगा वहाँ से आप प्रेस करके देख सकते हैं सारी वीडियोज़ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम जानेंगे डिस्ट्रेचिंग क्या है तो मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग लेफ्ट कट स्टार्टेड चलते अपने कोड में हम तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसा कि डिस्ट्रेक्चिंग क्या होती है तो सिंपल डिस्ट्रक्चिंग क्या होती है डिस्ट्रेक्चिंग इज ए फीचर इंट्रोड्यूस इन ई एस सिक्स दैट्स अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड एरे एंड असाइन देम टू वेरिएबल्स तो सिंपल क्या करता है डिस्ट्रेक्चिंग हमारे पास कुछ जो वैल्यूज होती हैं एरे और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती है उनको एक्सट्रैक्ट करता है और उनको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं तो इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे आज मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चिंग सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रेक्चिंग क्या होती है तो डिस्ट्रेक्चिंग दो तरीके होती है ऑब्जेक्ट एंड एरे ठीक है तो पहले वाला पहला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चिंग जानेंगे दूसरा है फिर न्यू वेरिएबल कैसे डाल सकते हैं मतलब कि जैसे हमारा अभी मैं बताऊंगा आपको तब तो समझ आ जाएगा नया वेरिएबल कैसे ले सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टैक्चिंग के अंदर ठीक तो है असाइनमेंट ऑफ द रेस्ट वैल्यूज तो असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं रेस्ट वैल्यू जितनी वैल्यू बची है उनकी असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं हम ठीक है फिर एरे डिस्टेक्चिंग क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे स्किप वैल्यू वैल्यू को स्किप कैसे करते हैं ठीक है असाइनमेंट ऑफ द रेस्ट वैल्यूज इन एरे ठीक है और स्वैप वेरिएबल्स ओके okay. तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे कौन लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ नाम में ऐड करता हूँ रोहित एज डालता देता हूँ पर एज में थर्टी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ पोजिशन या फिर डेजिनेशन लेता हूँ यहाँ पर मैं डालता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर अभी हम सिंपली uh, अगर हमें इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो मान लो हमें नेम को एक्सेस करना हो या फिर एज को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली अगर हम कंसोल कराएंगे कंसोल डॉट लॉग और हम अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसोल कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखिए मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ होगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या और हमें क्या मिल रहा है रोहित मिल रहा है नेम में रोहित मिल रहा है एज में थर्टी मिल रहा है और डेगिनेशन में फ्रंट एंड डेवलपर डबलोपर मिल रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर हमें नेम चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम करते थे इस टाइप से पुराने वाले कोड में जैसे पहले करते थे काम का, इस टाइप से अगर नेम चाहिए तो नेम डालेंगे डॉट एज चाहिए तो डॉट एज और अगर हमें डाइगनेशन चाहिए तो डॉट डेगिनेशन इस टाइप से डालेंगे तो यहाँ पर हमें तीनों चीज मिल जाएंगी रोहित एंड एज थर्टी एंड फ्रंट एंड डेवलपर ओके okay. तो हमें सिंपली ये नहीं चाहिए तो हमें डिश देखनी डिश क्या होती है तो ये देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे इस कोड को भी ठीक है अब देखिए कितना छोटा कोड लिखना पड़ेगा सिंपली में हम यहाँ पे कोई भी एक लेट ले लेते हैं ठीक है अब पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं जैसे मान लो हमें नेम चाहिए यहाँ पे नेम चाहिए अगर इससे पहले मैं आपको एक मोट बता ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है में जैसे मान लो मैं ना एक कंसोल करता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग Okay. अब यहां पर मैं क्या करता हूं मैं बैक्टिक यूज कर लेता हूं बैक्टिक आपको पता ही होगा आई थिंक किस लिए यूज करते हैं यहां पर बैक्टिक डालता हूँ मैं मान लो मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज ठीक है मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करता हूँ अपना मान लो यहाँ पे मैं नेम यूज करा ठीक है तो मैं अगर डायरेक्टली इस नेम को यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ इसको एक्सेस में मैं सेव करता हूँ उसको इसको मैं एक्सेस नहीं करता देखिए माई नेम इज ठीक है उसके आगे नहीं ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इसको मैं अगर इसको एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल ओ बी जे डॉट नेम लिखना होगा सेव किया अब ऐसे आ गया ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ मैं इसको ना लिखूँ और डायरेक्टली नेम को लिख सकू यहाँ पर ठीक है तो मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ पहले एंड माई एज ओ बी जे डॉट एस ठीक है टाइप से सॉरी स्पेलिंग गलत ये देखिए आ गया लेकिन मैं चाहता हूँ तो सिंपली क्या होता है हम एक लेट लेते हैं। लेट में हमने नेम कर लिया जैसे यहाँ पे पास कर देंगे नेम, इसके बाद है एज बट ये की जो नेम आ रहा है ये सेम होना चाहिए नेम एजन ठीक है और यहाँ पे हम जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है

तीन प्रॉपर्टी हैं तो इसकी मैंने की किए की डिफाइन कर दिया है यहाँ पर नाम एज डाइनेशन और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया है इसमें ये वाला जो मैंने ये वेरिएबल लिया है इसमें असाइन कर दिया है ठीक है सिंपल इतना आसान है अब देखिए तीन लाइन के कोड को मैंने एक सिंपल से कोड में कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डिश चैचरिंग ठीक है अब इसमें ऐसा नहीं है आपको तीनों यूज करने अब तीनों यूज मत करो आप इसको हटा दो इसको भी हटा दो आप सिंपल अगर नाम को आपको एक्सेस करना तो नाम भी एक्सेस कर सकते हो आप इसके अंदर अभी मैं एज को हटाता हूँ यहाँ से एज एज नहीं यूज करनी है हम यहाँ पर हमें सिंपल नाम यूज करना है तो आप तो वो भी यूज कर सकते हो ठीक है ये देखिए ये हो गया हमारा सिंपल क्या हो गया ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिश ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा अब नया अवेरेबल मान लो हमें यहाँ पर सिंपली कोई नेम आ रहा है ये हमें नेम ऐसे यूज नहीं करना है हमें किसी और नाम से यूज करना है क्योंकि ये नेम जो आ रहा है ऑलरेडी यूज हो रखा है यहाँ पर तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं तो अगर इसको चेंज करना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर ये सेमी कॉलम लगा के और यहाँ पर डाल देंगे नेम टू या कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे नेम टू डाल दो यहाँ पर अब ये जो नेम आ रहा है हमारा अब इस नेम को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि हमने उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज कर दी है को हमने नेम टू कर दिया है तो यहाँ पर नेम टू कर देंगे इसको भी हम और सेव करेंगे जस्ट ये देखिए सिंपली आ गया माई नेम इज़ रोहित आ रहा है ऑलरेडी ठीक है और अगर मैं एज की वैल्यू भी चेंज करनी है तो यहाँ पर हम एज का जो नाम है वेरेबल का नाम वो भी चेंज करना है तो इसको हम एज टू कर दो या कुछ भी जो आपको ठीक लगे सॉरी इस टाइप से नहीं सेमी कॉलम देखिए एज न्यू कर दो आप जो भी आपको लगता है ठीक है अब और यहाँ पर हमने हम हाँ तो ये इजिली एक्सेस हो जाएगा ये देखिए सिंपल ही ठीक है तो हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं न्यू वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट स्ट्रेक्चिंग क्या होती है ठीक है अब इसके अंदर क्या देखो हो असाइनमेंट द रेस्ट ऑपरेटर लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पर सिंपली मैं इसको हटाता हूँ नाम चेंज हटाता देता हूँ वही नाम यूज करता हूँ पुराने वाले ठीक है अब मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पे नाम यूज किया है और बाकी मेरे पास ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टी है मतलब कितनी ये मेरे पास तीन है टोटल टोटल अभी इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास टोटल तीन प्रॉपर्टी हैं मैं दिखाता हूँ आपको एक करके ये देखिए मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टी है नेम एज एंड डेगिनेशन ठीक है अब मैं क्या चाहता हूं यहां पे मैंने नेम तो एक्सेस कर लिया अब नेम के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पास अभी मान लो तीन है तो इसमें होता है दस हो पंद्रह हो बीस हो तो मैं सारी प्रॉपर्टी यहां पर एक्सेस करना चाहता हूं तो वो कैसे कर सकता हूँ वो कर सकता हूं मैं स्प्रिट ऑपरेटर के थ्रू स्प्रिप्रिट ऑपरेटर क्या होता है ये भी ए सिक्स का फीचर है जो कि हम ट्रिपल डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं लाइक वन टू थ्री यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट या कुछ भी लिख सकते हो बी सी आप ऐसा नहीं है रेस्ट लिखना है ठीक है यहाँ पे रेस्ट लिख सकते हो और इसको अगर एक्सेस कर मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले कंसोल को ठीक है यहाँ पे फिर से कंसोल करता हूं डॉट लॉग अगर हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं देखिए चेक करते हैं तो अगर नेम चेक करते हैं यहाँ पे हम तो नेम में हमें नेम की वैल्यू मिल जाएगी सॉरी कुछ गड़बड़ किया कुछ गड़बड़ किया ने क्या हुआ एट। कुछ गड़बड़ हुई इसमें मैं चेक कर लेता हूं कंसोल कंसोल डॉट डॉट लॉग मैंने उसमें ना करली वैकेट लगा दिया था सॉरी तो ये देखिए मैंने लिखा नेम ये देखिए अभी सिंपली एक्सेस कर पा रहा हूँ नेम को मैं अब हम चेक करते हैं रेस्ट में क्या है हमें क्या है हमें सारी प्रॉपर्टी जो जितनी प्रॉपर्टी है नेम के अलावा वो एक्सेस करनी है तो कैसे करेंगे उसको हम जो भी हमने नाम यहाँ पे लिया ट्रिपल डॉट के साथ उस नाम को जस्ट यहाँ पर सिंपल कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे सिंपली ये देखिए हमारे पास एज एंड एंडशन आ चुका है यहाँ पर तो जो हमारा ये बचा था असाइनमेंट द रेस्ट वैल्यूज वो सारी हमारे पास आ चुकी हैं हम अगर नेम यहाँ पे सपोज uh, करो यहाँ पे हम एज डाल देते हैं ठीक है तो क्या होगा जो एज के अलावा जो दो प्रॉपर्टी बची है एज तो हमारे पास आ गई ऑलरेडी इस ऑपरेटर में इसके अलावा जो दो प्रॉपर्टी बची है नेम और डेजिनेशन वो हमारी रेस्ट में देंगी ठीक है यहाँ पर हमारे पास रेस्ट में आ गई है डेजिनेशन और नेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डेजिनेशन डालता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास नेम और एज आ जाएगी ठीक है ये देखिए मैंने पेस्ट किया सेव किया सिंपली ये देखिए नेम एंड एज आ गया हमारे पास कितना ईजी है ठीक है तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट द रेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके तो हम अब बात कर लेते हैं एरे की इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ तो से और आपको कुछ समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अब एरे की बात करते हैं यहाँ पर हम एक एरे ले लेते ले हैं ले सिंपली मैंने एक एरे ले लिया इसमें कुछ नहीं सिंपली वैल्यू डाल दी वन टू

तो आपको पता है जो एरे होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो अगर हम जीरो प्रिंट करेंगे तो क्या होगा पहले वाली वैल्यू तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी ये देखिए होगा प्रिंट और दूसरी वैल्यू करनी है तो इस तरीके से कॉपी करके इसको वन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी या टू प्रिंट हो जाएगा ठीक है ऐसी ही हम अगर ये यहाँ से अगर पाँचवीं वैल्यू करनी है तो पाँच कर देंगे इसको तो यहाँ से ये वैल्यू सॉरी पाँच वैल्यू नहीं है हमारे पास चौथी वैल्यू है यहाँ पर हम चार लिखेंगे और यहाँ पर इसको सेव करेंगे सिंपली तो ये हमारे पास एक्सेस हो जाएगी तो हमें इस टाइप से नहीं करना है अब हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर देखिए अगर हमें सारी वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसके लिए थोड़ा सिंपल क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पे वन टू थ्री फोर हमें इतनी लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर सारी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें पांच लाइन का कोड लिखना पड़ा लेकिन अभी हमें ये नहीं लिखना है इसको हम रिमूव करते हैं जो नया एरे डिस्ट्रक्चरिंग है उसमें सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे एक लेट ले लेना है और लेट लेके यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है और एरे के अंदर आप कुछ भी नाम रख सकते हो उसका सपोज करो मैंने रखा ए सी डी ई

और अगर मैं इसको सी करते हैं तो सी में तीसरी वैल्यू पास हो गई है हमारे पास इस तरीके से ही सारी वैल्यू पास हो चुकी है लेकिन अगर मैं इसके पास इसके बाद अगर मैं हाँ पे D यहाँ पे डी करता हूँ सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार पाँच वैल्यू है ठीक है और यहाँ पर मैंने कितने वेरुवल लिए हैं यहाँ पर चार वेरुअल लिए हैं मैं इसको पाँच वेरुवल लेता हूँ ई e, एफ ठीक है अगर मैं इसको यहाँ पर ई e प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा जो ई कौन से नंबर पे पाँचवें नंबर पे है तो हमारा पाँच प्रिंट हो जाएगा पांच ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर होगी प्रिंट लेकिन अगर मैं इसमें एफ प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा करिए यहाँ पर, पर आएगा अनडिफाइंड क्योंकि उसको तो वैल्यू नहीं मिल रही है ठीक है तो ये होता है सिंपली हमारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग जिससे कि हम क्या कर सकते हैं इसकी कोई भी वैल्यू हम कैड कर सकते हैं ईजीली बी टाइप करो सिंपली और आपको यहाँ से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी ठीक कितना सिंपल है देखिए अब इसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यूज की सपोज करो आपको यहाँ पर आपने एक वैल्यू गेट कर ली ए ठीक है ठीक है पहली बात तो क्या होता है ए बी सी डी मैंने नाम ले दिए आप कुछ भी नाम सकते हो एक्स वाई जेड या वन टू थ्री कुछ भी आप जो आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हो आप स्टेप से भी लिख सकते हो आप वन टू थ्री करके जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो आप इसके अंदर ठीक है और अभी क्या हमारा बात कर रहे थे इसकी वैल्यू की तो सपोज करो हमने एक वैल्यू प्रिंट करा दी है यहाँ पे अब इसके बाद क्या करना है हमें दूसरे में इसमें कंसोल में हमें क्या करना है यहाँ पर सारी वैल्यू को स्किप करके इसको हटाए थे हम ठीक है सारी वैल्यू को स्किप करके क्या करना है? हमें जो पे है, इसको कराना है। तो हम क्या करेंगे पहले की गए। फिर, पे गए। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर बी में आ चुकी है ऑलरेडी हम बी में प्रिंट नहीं करेंगे पहले में प्रिंट हुआ हमारा वन और फोर्थ नंबर पर प्रिंट हुआ हमारा फोर ठीक है तो इससे क्या होता है हमारे कोमे कोमे लगा के हम वैल्यू को स्किप कर सकते हैं अगर मैं एक और कोमा लगा दूँ तो हमारी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी अब मैं सेव करता हूँ सिंपल यहाँ से ये देखिए फाइव गई ठीक है और अगर मैं यहाँ से ये सारे हटा दूँ ये देखिए सेव कर दूँ तो एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है ठीक है तो अब देखिए ये हो गया स्किप वैल्यू का ठीक है अब इसके अंदर हम बात करते हैं असाइनमेंट द रेस्ट वैल्यूज ठीक है सपोज करो यहाँ पर हमारा एक आ गया

देखिए सिंपल है टू थ्री फोर फाइव ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है और वैसे हम आ गई है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम वैल्यू हो गया असाइनमेंट वैल्यू असाइनमेंट रेस्ट वैल्यूज हो गया ठीक है अब हम बात करेंगे स्वैप वेरिएबल्स अब इसको हम रिमूव कर देते हैं सपोज करो हमारे पास दो वेरिएबल है ए में वैल्यू है टेन हमारे पास और बी में वैल्यू है हमारे पास ट्वेंटी अब हमें क्या करना है सिंपली इसको स्वैप करना है ए की वैल्यू वी में आ जाए बी की वैल्यू ए में चली जाए तो इसका सिंपल फंडा क्या है अगर हम पहले के तरह मतलब के डिस्ट्रक्चिंग के थ्रू ना करें पहले की तरह करें मतलब ट्रेडिशनल वे में करें तो कैसे कर सकते हैं इसको देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सिंपली पहले हम क्या करेंगे टैंप नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे ठीक है टैंप में हम जो ए की वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ए की वैल्यू है जो so, ए है उसके अंदर बी की वैल्यू को स्टोर करा देंगे फिर बी के अंदर अपनी जो टेम्प की वैल्यू है जो कि ए से आई है उसको स्टोर करा देंगे ठीक है अब यहाँ पर हम कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम बी प्रिंट करवा लेते हैं अब इसको सिंपली सेव करते हैं तो क्या प्रिंट होगा ट्वेंटी एंड टेन अगर हम इसको कमेंट करते हैं देखिए तो अभी हमारा क्या आ रहा है ए की वैल्यू कितनी आ रही है टेन आ रही है जो कि हमारी है ऑलरेडी बी की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी आ जो कि हमारी ऑलरेडी है हैवी ठीक है और जो मैंने लॉजिक लिखा है मैंने इसमें क्या लिखा है यहाँ पे देखिए लॉजिक मैं आपको समझिए इतना सिंपल लॉजिक है ए की वैल्यू मैंने क्या करा टैंप में डाल दी ठीक है और फिर बी की वैल्यू को मैंने ए में डाल दिया ठीक है और फिर जो टैंप में ए की वैल्यू आई थी उस ए की वैल्यू को मैंने बी में पास कर दिया है तो यहाँ पर वैल्यू स्वैप हो गई है लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे तीन लाइन लिखनी पड़ी कोड की ठीक है और हम इसको सेव करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आ रही है ऊपर टेन और ट्वेंटी वो स्वैप हो जाएंगी इसको सेव करता हूँ अभी देखिए स्वैप हो गई जो ए में कंसल्ट करा रहा हूँ उसके अंदर हमारी कितनी वैल्यू आई है ट्वेंटी आ रही है जो कि हमारी टेन थी और बी में जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है टेन आ रही है जो कि हमारी ट्वेंटी थी तो ये वैल्यू स्वैप हो चुकी है लेकिन इसके लिए हमें तीन लाइन का कोड लिखना पड़ा तो इसको ना लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसको कमेंट करते हैं डी टेक्सिंग यूज करेंगे बहुत ही आसान है अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ बैकेट लेंगे ठीक है सिंपली बैकेट टाइप के ए एंड बी ठीक है हमें इनकी वैल्यू को स्वैप करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हम सिंपल असाइनमेंट यूज कर लेंगे इस टाइप से ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे बी एंड ए अब इसका मतलब क्या है पहले इसको हम सेव करते हैं पहले दिखाते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका हमने सेव किया देखिए आउटपुट सेम एकदम स्वैप हो चुकी है इतने छोटे से छोटे स्वैप हो चुकी है मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्वैप हुई हमने क्या किया हमारे पास ए और बी दो वैल्यू है ठीक है हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पे एक एरे में ले लिया ए एंड बी अब ए की वैल्यू जो है हमने बी में यहाँ पे असाइन कर दी और बी की वैल्यू ए में असाइन कर दी सिंपली कुछ नहीं किया जैसे हम डिस्ट्रेक्चिंग यूज कर रहे थे अभी हमने ऊपर यूज किया था वैसे ही जो पहले वाला हमारी वैल्यू है वो पहले वाले उसमें वेरिएबल में साइन होगा उसको नहीं पता क्या नाम है उसका अब हमने ए को बी में साइन कर दिया और बी को ए में साइन कर दिया तो ये सिंपली स्वैप हो गई है एक लाइन के थ्रू तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ जितनी वीडियो डाल रहा डालू ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जो कि अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय